द वायर में छपे आर्टिकल का एक हिस्सा ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि इस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू विरोधी विचारों को प्रमोट किया है। ये कैसे किया है? लोगों के दावों के अनुसार द वायर ने अपने आर्टिकल में दुर्गा पूजा को एक रेसिस्ट फेस्टिवल बताया और दुर्गा को कथित रूप से एक सेक्स वर्कर कहा। यह दावा करने वालों में नौसेना के पूर्व अधिकारी हरिंदर सिक्का शामिल हैं, जिन्होंने इस हिस्से के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए एक सवाल किया कि क्या द वायर में इतना दम है कि वो इस्लाम के बारे में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। ट्विटर हैंडल मिशन काली ने भी इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया। आपको बता दें कि इस हैंडल को भाजपा के नेता कपिल मिश्रा भी फॉलो करते हैं। @IndianRightwing नाम के एक ट्विटर हैंडल ने तो यहां तक कह दिया कि नवरात्रि के दौरान द वायर ने ऐसी अशोभनीय बातें कही हैं और इसके बदले में मौत की सजा के सिवा और कोई सजा ठीक मालूम नहीं देती है। हम आपको बता दें कि ये सभी दावे गलत हैं। द वायर ने असल में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अगर मौत की सजा मांगने वाले लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ने की जहमत उठा ली होती तो उन्हें मालूम पड़ जाता कि आर्टिकल में ऐसी बातें द वायर ने अपनी ओर से नहीं लिखी हैं, बल्कि 2016 में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की बातों को डायरेक्ट कोट किया है। असल में इस वक्त देश में एक बहस चल रही थी जो कि जेएनयू में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये वो वक्त था जब नारेबाजी की एक वीडियो क्लिप ने जेएनयू को एंटी नेशनल स्टूडेंट्स का अड्डा बता दिया था और होते करते बात यहां तक आ गई थी कि जुलाई 2017 में जेएनयू कैंपस में पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह, पूर्व सैन्य अधिकारी और वर्तमान में टीवी डिबेट पैनलिस्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी और दिल्ली में अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे गौतम गंभीर ने तिरंगा रैली निकाली थी और इसके ठीक बाद अपने भाषण में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह तक कह दिया था कि सरकार को जेएनयू कैंपस में एक बैटल टैंक लाकर रख देना चाहिए। 24 फरवरी 2016 को लोकसभा में स्मृति ईरानी ने एक भाषण दिया था जो कि सरकार के जेएनयू में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को हैंडल करने के रवैये पर सवाल उठाने से शुरू हुई एक बहस का जवाब था। भाषण के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा था कि जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं। इसी भाषण के दौरान स्मृति ईरानी ने बताया कि साल 2014 में एक पर्चा छपा था जिस पर दुर्गा पूजा के बारे में ये बातें लिखी हुई थी। ये पर्चा महिषासुर शहादत दिवस मनाए जाने के लिए छपवाया गया था, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना था। इस कथित पर्चे में छपी चीजें पढ़ते हुए स्मृति ईरानी ने ये सभी बातें कही और इन्हें ही डायरेक्ट कोट करते हुए द वायर ने उन्हें अपने आर्टिकल में छापा, जिसकी तारीख 27 फरवरी 2016 देखी जा सकती है। यानी जिस आर्टिकल के स्क्रीनशॉट्स आज चलाए जा रहे हैं वो असल में लगभग 4.5 साल पुराना है और जिन बातों के आधार पर लोग द वायर के खिलाफ मौत की सजा जैसी चीजों की मांग कर रहे हैं वो असल में किसी और का डायरेक्ट कोट है। इस पर्चे का मामला भी कम नाटकीय और कंफ्यूजन से भरा नहीं है। AIBSF यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम इस कथित महिषासुर शहादत दिवस का ऑर्गेनाइजर बताया जाता है। इसके एक मेंबर अनिल ने द वायर से बातचीत की थी। इस बातचीत में अनिल ने बताया था कि स्मृति ईरानी की लोकसभा में कही बातों का सोर्स ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक स्टूडेंट ब्रांच है, उसका एक पर्चा है। अनिल का कहना है कि इस पर्चे में ABVP ने दुर्गा पूजा के बारे में ऐसी बातें लिखते हुए उन बातों को AIBSF के मूल विचारों की तरह पेश किया, जबकि AIBSF ने ऐसी बातें कभी कही ही नहीं। दर्शकों को बता दें कि ये सभी बातें द वायर के उसी आर्टिकल में लिखी हुई मिल जाएंगी जिसके स्क्रीनशॉट्स फिलहाल वायरल हो रहे हैं। अब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर्चे को लेकर क्या रुख था वो भी जान लेते हैं। उनका कहना था कि लोकसभा में जिस पर्चे को कोट किया गया वो एकदम सही है। 2016 में जेएनयू के रजिस्ट्रार भूपिंदर जुटशी ने PTI को बताया था कि HRD मिनिस्ट्री ने उनसे तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए कहा था, जिनमें से एक ये पर्चा भी था। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स चेक की और उन्हें यही पर्चा मिला। यानी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये पर्चा एकदम ऑथेंटिक था और ये बात उन्होंने उस वक्त मिनिस्ट्री को बता भी दी थी। यहां आपको यह भी बता दिया जाए कि देश के कुछ हिस्सों में महिषासुर को उस चश्मे से नहीं देखा जाता है जिससे बाकी लोगों को देखने की आदत है, और वहां यह माना जाता है कि उनके राजा महिषासुर को दुर्गा ने मार डाला था। अपने इस विश्वास को और अपनी बात को पहचान दिलाने के क्रम में AIBSF महिषासुर शहादत दिवस मनाता है और जेएनयू में इसके पीछे होने वाली सरफुटावल का क्रम 2011 से लगातार चलता आ रहा है।
उस वक्त AIBSF प्रेसिडेंट जीतेंद्र कुमार यादव को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कुछ रोज पहले ही कैंपस में ABVP स्टूडेंट्स ने मारपीट भी की थी। और फिर 2014 के एक कथित पर्चे को 2016 में लोकसभा में पढ़ा जाता है और इस खबर के स्क्रीनशॉट्स 2020 में नवरात्रि के दौरान वायरल होते हैं और द वायर को मौत की सजा दिए जाने की मांग उठती है।